हे एवरी वन वेलकम टू आर चैनल आज हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के इम्पॉर्टेंट टॉपिक को एक्सप्लोर करेंगे विच इज द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ विल फोकस ऑन टू क्रूशियल प्रोविजन्स आर्टिकल थर्टी टू एंड आर्टिकल टू ट्वेंटी सिक्स जो इंडिविजुअल्स को जुडिशियरी को अप्रोच करने की पावर प्रोवाइड करता है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स लेट्स डाइव इन एंड अंडरस्टैंड दिज आर्टिकल्स इन सिंपल टर्म्स फर्स्ट ऑफ ऑल विल डिस्कस अबाउट द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म किया गया था इट वॉज अ सिग्निफिकेंट और रेवोल्यूशनरी डेवलपमेंट इन आर नेशन हिस्ट्री कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर्स जानते थे कि इट वॉज वेरी वाइटल टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226 जो हमारी फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट कर सके इंसर्ट किए गए सो फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड आर्टिकल थर्टी टू एक्चुअली क्या है आर्टिकल थर्टी टू गिव्स पावर टू सुप्रीम कोर्ट टू बी द सेफ गार्डर ऑफ फंडामेंटल राइट्स अगर किसी सिटीजन को ये फील हो कि उसकी फंडामेंटल राइट्स जो है उनका वायलेशन हुआ है मतलब उनका उल्लंघन हुआ है ऐसी सिचुएशन में वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जाकर रिट पटिशन फाइल कर सकते हैं जो कि एक बहुत ही इट्स लाइक अ फास्ट एंड पावरफुल तरीका है सिटीजन्स के लिए टू सीक जस्टिस अगर उनकी फंडामेंटल राइट्स किसी रिस्क में है नाउ वी विल सी द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ आर्टिकल थर्टी टू फर्स्ट इज द अथॉरिटेटिव ज्यूरिसडिक्शन। आर्टिकल थर्टी टू सुप्रीम कोर्ट को एक्सक्लूसिव मतलब एक स्पेशल अथॉरिटी देता है सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही फंडामेंटल राइट्स की वायोलेशन से रिलेटेड केसेस की सुनवाई कर सकता है टू मेक श्योर कि सारी कंट्री में सेम रूल्स फॉलो हो सेकेंड ब्रॉड एप्लीकेबिलिटी आर्टिकल 32 सिर्फ स्टेट अथॉरिटीज की वायोलेशन तक लिमिटेड नहीं है इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट वायोलेशं बाई प्राइवेट इंडिविजुअल्स और एंटिटीज परफॉर्मिंग पब्लिक फंक्शंस थर्ड रेमडीज अवेलेबल फंडामेंटल राइट्स वायोलेशन को फिक्स करने के लिए सुप्रीम कोर्ट स्पेशल ऑर्डर्स कॉल्ड रिट्स लाइक कॉर्पस मैंडेमस प्रोहिबिशन को वॉरंटो एंड सर्ट्योरिरी इशू कर सकता है हर एक रिट का एक यूनिक पर्पस है सिटीजन्स की राइट्स को प्रोटेक्ट करने में नाउ लेट्स मूव टू आर्टिकल 226 आर्टिकल 226 ट्वेंटी सिक्स हाई कोर्ट्स को पावर देता है कि वो इंडिविजुअल स्टेट्स के जो सिटीजन्स हैं उनकी राइट्स को प्रोटेक्ट कर सके लाइक आर्टिकल थर्टी टू कोई भी सिटीजन अपने स्टेट के हाई कोर्ट जाकर डायरेक्टली रिट पटीशन फाइल कर सकता है टू प्रोटेक्ट दर फंडामेंटल राइट्स और अदर लीगल राइट्स कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ आर्टिकल टू ट्वेंटी सिक्स फर्स्ट रीजनल जुरिस्डिक्शन हर स्टेट का कोर्ट आर्टिकल टू ट्वेंटी सिक्स में रिट पटिशन को के केसेस को हियर uh, कर सकता है और उन्हें सॉल्व कर सकता है इस तरह लोकल इश्यूज कैन भी सॉल्व लोकली जिससे लोगों को और इजी तरीके से जस्टिस मिले सेकेंड रिट्स एंड अदर रेमिडीज हाई कोर्ट्स लाइक द सुप्रीम कोर्ट कैन आल्सो इशू रिट्स लाइक कॉर्पस मैंडेमस प्रोहिबिशन को वॉरंटो एंड सर्ट्यूर बुट के पास एक्स्ट्रा पावर है दे कैन ऑल्सो गिव अदर रेमेडीज लाइक इंजंक्शन डिक्लेरेशन एंड कंपेन्सेशन in such other cases third broader scope unlike article 32 article 226 helps people seek remedies for violation of ordinary legal rights too not just fundamental rights so it covers a wider range of issues as discussed earlier second in the second point now let's see the comparative analysis मीन्स अब हम आर्टिकल 32 एंड 226 को कंपेयर करेंगे दोनों आर्टिकल्स आर्टिकल 32 एंड 226 एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सिटीजन की राइट्स को प्रोटेक्ट करने में पर वो अलग अलग लेवल्स पे जुडिशियरी में अलग अलग लेवल्स पे काम करते हैं सुप्रीम कोर्ट थ्रू आर्टिकल 32 टू करता है फंडामेंटल राइट्स अक्रॉस द होल कंट्री को मीन आर्टिकल 226 सिर्फ हाई कोर्ट को ये पावर देता है कि वो अपने स्टेट के अंदर की जो राइट्स हैं उन्हें प्रोटेक्ट करे जैसे कि कोई लोकल प्रॉब्लम है तो हाई कोर्ट अपने स्टेट के अंदर जो लोकल प्रॉब्लम हो रही है उसमें फोकस करके सिटीजन्स को एक इजी सॉल्यूशन इजीली एक्सेसिबल सॉल्यूशन दे सकता है नाउ मूविंग ऑन टू द कंक्लूजन द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज अंडर आर्टिकल थर्टी टू एंड आर्टिकल टू ट्वेंटी सिक्स इज द फाउंडेशन ऑफ इंडियाज डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क इन प्रोविजन से सिटीजन्स को एक पावर मिलती है वी कैन से एक स्पेशल पावर मिलती है जिससे उन्हें जस्टिस मिल सके अगर उनकी फंडामेंटल राइट्स का वायोलेशन हुआ है या उनकी फंडामेंटल राइट किसी रिस्क पर है थैंक यू फॉर वॉचिंग